चुके हैं हमारे साथ। सर आपका नाम? वरुण कुमार। वरुण कुमार जी आप कहाँ से आए हैं? जी जलालाबाद पंजाब से। पंजाब से आप? पंजाब से हैं, सैकड़ों किलोमीटर जैसे आप आज आए हैं। हाँ जी। तो आने पे खर्चा भी हुआ होगा, गाड़ियों का पेट्रोल डीजल जो भी लगा होगा जी। तो ये सब आपका कैसे वहन करते हैं? ये मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग ही मिल जाती है तो ये सब मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। कोई इसका खर्चा आप लोग खुद अपनी जेब से करते हैं या डेरा कमेटी या मैनेजमेंट कुछ खर्चा करते हैं? कई बार लोग परमार्थ भी करते हैं, कई बार हम खुद भी करते हैं। सो ये दोनों तरफ से होता है जी। जो खुद की तरफ से नहीं दे सकते तो लोग परमार्थ कर देते हैं, तो ऐसे चलता है। 138 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा करता है जी। ये कार्य भी उन्हीं में से एक है। ऐसे और कौन से कार्य हैं, आप कुछ कार्य यहाँ बताएंगे? जी अभी जैसे गुरुजी ने नए कार्य चलाए हैं, जैसे जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको राशन फ्री में देना, और जो अपने बहनें होती हैं उनकी शादी फ्री में करवानी, दहेज ना लेना, ऐसे कई अनेकों कार्य हैं जो पिताजी ने चला रखे हैं, और भी आने वाले समय में और भी ये जुड़ते ही जाएंगे। और मानवता भलाई के कार्यों में ऐसे ही बढ़ोतरी पिताजी ने करनी है, और एक दिन ज़रूर मानवता का झंडा लहराएगा। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है कि वो सच को समझें और देखें सच को, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग आज आप देख सकते हैं जमा हुए हैं बिना गुरुजी के कहे। इवन गुरुजी ने कहा भी नहीं, डेरे की तरफ से ही हुक्म हुआ है। सिर्फ डेरे का हुक्म मानकर ही लाखों लोग आ सकते हैं। तो ये बंदा अपने आप ही लगा ले कि कुछ तो पावर होगी। मैं मेडिटेशन करता हूँ रोज़ डेली 2 आवर्स या 3 आवर्स जैसे भी पिताजी करवाते हैं, तो अंदर से जैसे पिताजी दिखाते हैं, पिताजी की रहमत है वो। तो आप जुड़ेंगे, आपको तभी पता लगेगा ना, जब आप जुड़ते हो, आप मेडिटेशन करते हो, उनके वचन मानते हो, तभी आपको पावर दिखेगी। चलो बाहर से तो सभी संतों पर आरोप लगे हैं, पिछले इतिहास को आप उठाकर देख लें, कोई भी संत ऐसा नहीं निकला जिसके ऊपर आरोप नहीं लगे, चाहे श्री राम जी हों चाहे गुरु नानक देव जी हों। सो ये तो कोई नहीं, समा बताएगा क्या सच है क्या नहीं। सर आपने पूरा आज गुरुग्राम को जो क्लीन किया उसके लिए फैक्टाइज जो चैनल की टीम है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है आप सबका। थैंक यू जी। धन धन सदगुरु तेरा। धन्यवाद।